केस चला रहे हो जिसके अंदर 4 लाख 5 लाख की रिक्वायरमेंट है, तो अगर 5 लाख से ज्यादा आ गया तो मेरे बच्चों का जब मुझे पता चला कि उनको सुनने में तकलीफ है, मेरा दिल एकदम बैठ गया। हमारे पास इतने पैसे नहीं है, तो आपसे जितना भी हो सके, मतलब जैसे कि 50-100 रुपया तो हम ऐसे ही लोग जो है मतलब चाय पानी में, नाश्ता वगैरह में उड़ा देते हैं, तो उतना भी अगर आप किसी करेंगे तो छोटा छोटा करके किसी को एक बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। तो डोनर की कमी के वजह से जो है हम लोग बहुत सोच समझ के कैंपेन लेते हैं जी, बहुत फिल्टर्ड करके फिर गूगल ऐड वगैरह भी करना रहता है, मगर गूगल ऐड जो है बहुत पैसा ले लेता है, तो वो हर बार हम लोग कर नहीं सकते। तो इसीलिए जो है मैं वॉइस के पास में आया हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक मैं पहुँच सकूँ। ओटो ऑर्गेनिक्स इस फेस्टिव सीजन में अपने कस्टमर्स के लिए लाए हैं साल की सबसे बड़ी सेल। ओटो ऑर्गेनिक्स अपने सभी प्रोडक्ट्स पर दे रहे हैं बाय वन गेट वन का ऑफर, साथ ही मिलेंगी फ्री शिपिंग ऑन अबाउट 500 रुपीज ऑर्डर। ओटो ऑर्गेनिक्स जाने जाते हैं अपने ऑर्गेनिक स्किन केयर प्रोडक्ट्स के लिए, तो फिर देर किस बात की, जल्दी इस लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाइए। प्रोडक्ट आउटलेट एट कुशाल बिल्डिंग, शॉप नंबर 5, नियर भारत मेडिकल, थाना रोड, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने कोई पॉलिटिकल इंटरव्यू या कोई और डिबेट लेकर नहीं आए, आज हम आपके सामने एक बहुत ही नेक काम, बहुत ही अनोखा काम आपके सामने लेकर आए हैं, वो ये कि हर किसी को अपनी लाइफ में, मतलब जो अगर फाइनेंशियली वीक है तो उन्हें मेडिकल की ज़रूरत पड़ती है, मतलब मेडिकल हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, और भिवंडी शहर के अंदर जो है मेडिकल हेल्प काफ़ी, जो मेडिकल सिस्टम है वो काफ़ी चरमराया हुआ है। इसी में एक ऐसे ट्रस्ट की स्थापना हुई जिसका नाम है पेन केयर ट्रस्ट, जो लोगों के लिए क्राउड फंडिंग करता है, और क्राउड फंडिंग के अंदर जो है वो लोगों की हेल्प कर, मेडिकली हेल्प करते हैं। अब तक के पिछले 4 सालों के अंदर उन्होंने 3 करोड़ से ज़्यादा जो है लोगों को मेडिकल हेल्प दी है, जिसके अंदर 1500 से ज़्यादा लोग उसके बेनिफिशियरी हो गए। अब हम उनसे बात करेंगे और हम चाहेंगे कि ऐसी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस चीज़ का फ़ायदा उठा सके। सबसे बड़ी बात है कि लेने वाले बहुत ज़्यादा है, देने वाले बहुत कम है, और हमारा आज का वीडियो का मकसद भी यही है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आके जो है इसके अंदर इस मुहिम का हिस्सा बने, जेनरसली जो है इसके अंदर डोनेट करें, ताकि जो पैसा है आपका सही हाथों तक पहुँचे। तो आज हमारे साथ में पेन केयर ट्रस्ट के चीफ ट्रस्टी है हारून अंसारी साहब। तो हारून भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो हारून भाई, सबसे पहले बताइए कि पेन केयर ट्रस्ट है क्या? पेन केयर ट्रस्ट जो है वो एक क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है जी। क्राउड फंडिंग मतलब जैसे आजकल जो है सोशल मीडिया से, सारी दुनिया आज सोशल मीडिया पे, तो हम लोग जो है अपना कॉज जो है मेडिकल कॉज या एजुकेशन कॉज जो है वो हम लोग सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं हमारे वेबसाइट के लिंक के साथ में, और वहाँ पर उनका अपीलिंग वीडियो वगैरह था वो लोग देखते और वहाँ से डोनेट करते हैं। तो ये आपकी खुद की वेबसाइट है पेन केयर ट्रस्ट की, तो जिसके थ्रू जो है आप लोग क्राउड फंडिंग जमा करते हैं। तो हरुण भाई, थोड़ा सा बताइए कि क्राउड फंडिंग होती क्या है एक्चुअल में? क्राउड फंडिंग के लिए जो है वो पहले तो एक ट्रस्ट होना चाहिए आपके पास में, उसके बाद में डिजिटल टीम होना चाहिए और टेक्निकल टीम होना चाहिए, और उसका एक वेबसाइट होना चाहिए। हमारा वेबसाइट पूरा ट्रांसपेरेंसी, जो भी अमाउंट आता है उसमें दिखता है, टोटल दिखता है, कौन दे रहा है, कितना दे रहा है, वो भी दिखता है। वो वेबसाइट का जो लिंक है वो हम लोग सोशल मीडिया पे अपलोड कर देते हैं, तो हमारा सारा सोशल मीडिया एक्टिव है, और वहाँ पर हम लोग अपना कॉजेज डालते हैं और वो लिंक क्लिक करके आदमी वेबसाइट पे आके डोनेट कर सकते हैं। अच्छा, तो इसके अंदर जब आप क्राउड फंडिंग करते हो तो मतलब एक केस आता है, तो वो केस आप कैसे ये करते हो, मतलब उसको एक्सेप्ट कैसे करते हो? मतलब जैसे कि किसी ने आया कि भाई मेरे को ना इतने पैसे की ज़रूरत है, तो आप उसको एक्सेप्ट कैसे करते हो, मतलब उसके अंदर क्या क्या चीज़ें देखते हो कि हाँ आप उसको अपनी वेबसाइट पे डाल सको? सबसे पहले जो है हम लोग उनसे हॉस्पिटल का एस्टिमेट लेटर मांगते हैं। अच्छा, तो एस्टिमेट लेटर पे लिखा होता है कि इसको ये बीमारी है और ये इतना इसका एस्टिमेट कॉस्ट है जी। फिर हम लोग वो हॉस्पिटल में फ़ोन करके वेरीफाई करते हैं कि पेशेंट कितना भरा है और कितना बाकी है, और वहाँ से हम लोग को वेरीफाइड हो जाता है कि ये पेशेंट एडमिट है और यहाँ पे इसका ट्रीटमेंट चल रहा है। फिर उसके आगे जो है हम लोग उनके घर में, उनके रिश्तेदार के यहाँ भी फ़ोन करके उनसे पूरा डिटेल मतलब पूरा क्रॉस वेरीफिकेशन पूरा क्रॉस वेरीफिकेशन करते हैं जी, ताकि जो डोनेट कर रहे हैं उनका पैसा मुस्तहिकों तक, सही लोगों तक पहुँचे जी। तो इसके अंदर पूरे प्रोसेस में टाइम कितना चले जाता है? 2 दिन जाता है।
अच्छा, दो दिन में, मतलब अगर कोई आपके पास में केस आए तो 2 से 3 दिन में? हाँ, अगर वो जितनी जल्दी दे देते हैं हमको डॉक्यूमेंट्स, तो हम उसको एक दिन में भी अपलोड कर देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इसके अंदर समझो किसी को, एक एग्जांपल लेते हैं कि किसी को रिक्वायर्ड है 5 लाख रुपए की, तो 5 लाख रुपए के सामने अगर कोई डोनर है तो वो डोनर कितना भर सकता है? मतलब ऐसा है कि 5 लाख है तो उसको समझो 50,000 5,000 कितना दे सकते हैं डोनर का, क्या ये रहता है रिक्वायरमेंट, मतलब देने का डोनर का? देखो ऐसा है कि क्राउड फंडिंग का मतलब ही यही है कि छोटा छोटा अमाउंट जमा करके जी, और उसको एक बड़ा अमाउंट खड़ा करके एक इंडिविजुअल के लिए, और वो हम लोग हेल्प कर सकते हैं। अच्छा, तो उसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 5 लाख का है तो वो, अब जिसकी जितनी ताकत है हैसियत तो उससे वो डोनेट, मतलब कर सकते वो है। कोई आदमी 1,000 भी डाल सकता है, 100 भी डाल सकता है 50 भी डाल सकता है 50 रुपये भी डाल सकता है। अच्छा, मतलब कैसा है कि छोटे छोटे से जो है एक बड़ा अमाउंट होता है उनकी हेल्प हो जाएगी, और डालते हैं लोग 50 रुपया 100 रुपया 200, जिसकी जैसी हैसियत रहती है, और एक बड़ा अमाउंट खड़ा हो जाता है। अच्छा, तो इसमें डोनर की कुछ प्राइवेसी रहती है क्या? डोनर का ऐसा रहता है कि ट्रांसपेरेंसी तो हमारी है, जब वो फॉर्म फिलअप करता है हमारे वेबसाइट पे आके, कौन डोनर, डोनर हाँ। डोनर आके जब वो डोनेट का एक येलो कलर का बटन वो क्लिक करके, तो उसको एक फॉर्म आता है, उसमें उसका नाम, उसका ईमेल, फ़ोन नंबर वगैरह जो सब वो करता है, तो वहाँ पर वो एक ऑप्शन रहता है कि अगर आपको अपना नाम शो नहीं करना है, इफ़ यू वांट टू डू एज एनोमिनस, तो हाँ। वो क्लिक कर देगा, तो वहाँ पे पेन का डोनर लिख के आता है, वहाँ पर नाम नहीं आता है। अच्छा, मतलब इतनी प्राइवेसी रखी गई है हाँ। डोनर की कि उसका नाम ये नहीं होगा, डिस्क्लोज नहीं होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये प्राइवेसी रखने का मतलब क्या हुआ, मतलब क्या ये रहता है? प्राइवेसी रखने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग अपना नाम शो नहीं करना चाहते, बन मुट्ठी देना चाहते हैं, तो वहाँ पे क्लिक कर देंगे तो एनोमिनस करके उनका नाम हट जाता है और पेन के डोनर आ जाता है। हाँ। तो बहुत सारे डोनर्स रहते हैं, वो कभी कभी बोलते हैं कि मेरा नाम शो नहीं होना चाहिए, बन मुट्ठी देना है, तो वो हो जाता है जी। तो मतलब ये डोनर का नाम रखा ही क्यों आपने, मतलब फिर इससे तो फिर रखना ही नहीं चाहिए ना, कि मतलब कोई डाला नहीं डाला करके? एक्चुअली कैसा है, ये ऑनलाइन है। अब इसमें ऑनलाइन में क्या है, ये जो जितना भी नाम आता है, कौन दे रहा है, कितना दे रहा है, पूरा वो जैसे ही वो डोनेट करेगा फट से वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाता है। हाँ। तो वो क्या है, ट्रस्ट बिल्ड होता है। अच्छा। कि डोनर को भी लगता है कि हाँ मैंने दिया तो यहाँ दिख रहा है। हाँ, और जो हाँ, लेने हाँ। वाला उसको भी दिख रहा है कि मेरे को इसने दिया, मतलब और इनडायरेक्टली डोनर को एक रिसीट मिल जाती है। हाँ, एक रिसीट मिल जाती है ना, कि हाँ देखो तुम्हारा नाम जो है यहाँ पे शो कर रहा है, और ऊपर टोटल में वो अमाउंट जैसे अभी समझ लो 2,000 है, उसने 100 रुपया डोनेट किया तो 2,100 हो जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मतलब वहाँ पे वो कैलकुलेट भी करके दिखा देता है। जी, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इसके अंदर मैं ये पूछ रहा था कि ये जो अमाउंट, समझो एक एग्जांपल लेते कि आप कोई एक केस चला रहे हो जिसके अंदर 4 लाख 5 लाख की रिक्वायरमेंट है, तो अगर 5 लाख से ज़्यादा आ गया तो ये बहुत अच्छा सवाल पूछे आप जी, कि 5 लाख से ज़्यादा आ गया। हाँ। हम लोग का एक वो जो वेबसाइट है उसके अंदर सिस्टम है, अगर 5 लाख का जो टारगेट हम लोग लिखते हैं कि ये जो जैसे अपना एस्टिमेट लेटर पे लिखा है 5 लाख, तो हम लोग वहाँ पे लिख देते हैं इसका गोल जो है 5 लाख रुपया जी, जैसे ही 5 लाख होता है वो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। अच्छा। हाँ, मतलब वो बंद हो जाता है, वो बंद हो जाता है, वहाँ क्लोज कैंपेन लिख के आए तो जो डोनेट की बटन हट जाती है। अच्छा, तो मतलब फिर उसमें आप नहीं कर सकते, कोई दूसरे कैंपेन में, दूसरे कैंपेन में करो। अच्छा अच्छा, तो ऐसे एक साथ में कितने कैंपेन आपके रन होते हैं? देखो कैंपेन लेने में तो मैं 100 ले लूँ, हाँ, मगर उतना फिर डोनर भी आना चाहिए। तो डोनर की कमी के वजह से जो है हम लोग बहुत सोच समझ के कैंपेन लेते हैं जी, बहुत फिल्टर्ड करके लेते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। तो फिर भी महीने में एक एवरेज अगर 15-16 कैंपेन महीने में चलता है, 15-16 कैंपेन आपका चलता है महीने के अंदर। तो इसमें कुछ आपके रेगुलर डोनर हो गए, कुछ नए भी आते हो गए? कुछ डोनर्स है जो रेगुलर है। जो नए लोगों के पास आप पहुँचते कैसे? नए लोग के पास मैं बताया ना कि एक जो फॉर्म जब वो भरते हैं। नहीं नहीं नहीं, फॉर्म, अच्छा मतलब इसकी बात कर रहे हो आप। अच्छा, नए लोग के पास कैसे पहुंचते हो? मतलब हाँ, जैसे कि अभी जैसे मुझे पेनकेयर के बारे में कुछ नहीं मालूम। हाँ। तो मुझे कैसे नोटिफिकेशन आएगा कि यार पेनकेयर करके कोई एक चीज़ है जिसमें इस तरह से डोनेशन होता है, इस तरह से क्राउड फंडिंग होती है और मुझे करना है? तो कहीं ना कहीं तो मुझे लिंक आएगा, कहीं ना कहीं तो मुझे नोटिफिकेशन आएगा। तो इसके लिए नए लोगों के पास पहुँचने के लिए आप क्या करते हो? नए लोग के पास पहुँचने के लिए जैसे हम लोग तो एक सोशल मीडिया में प्रमोट करते हैं उसको जी, फिर गूगल ऐड वगैरह भी करना रहता है, मगर गूगल ऐड जो है बहुत पैसा ले लेता है। हाँ। तो वो हर बार हम लोग कर नहीं सकते, तो इसीलिए जो है मैं वॉइस के पास में आया हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक मैं पहुँच सकूँ, और लोग को ट्रस्ट भी बिल्ड होए कि भाई ये जो कॉज जो करते हैं। हाँ। इनका जेन्युइन है और मुस्तैक लोग तक का पैसा जाता है। अच्छा, मतलब इसी तरह के सोशल प्लेटफॉर्म से जो है, सोशल मीडिया के माध्यम से जो है आप कोशिश करते हैं कि लोगों तक पहुँचे, और फिर जिसका केस आता होगा तो वो लोग भी व्हाट्सअप वगैरह पे जो है फॉरवर्ड करते हैं। कई लोग जो है हमारे वॉलंटियर भी है जी, जो देखते हैं ये कॉज अच्छा काम हो रहा है तो वो लोग शेयर भी करते हैं व्हाट्सअप पे, फेसबुक पे, वो खुद करते हैं, तो उनके वजह से जो उनके जो
व्हाट्सएप ग्रुप है और जो है वो वहाँ तक पहुँच जाते हैं। जी, मैं अपने हमारे व्यूवर्स को भी थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूँगा कि आप छोटा छोटे से भी शुरुआत कीजिए, क्योंकि कहीं पे भी अगर इस तरह का हम चाहते हैं कि मदद कर सके तो ये बहुत ही ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है। हम आगे भी बात करेंगे, लेकिन मैं एक छोटा सा ही कर रहा था कि अगर आपके पास में ये किसी तरह से इसका लिंक आता है, इसका नोटिफिकेशन आता है पैनक्रेटिक ट्रस्ट का, तो आप ये समझिए कि कहीं ना कहीं कोई ज़रूरतमंद बैठा है जिसको पैसे की ज़रूरत है। तो आपसे जितना भी हो सके, मतलब जैसे कि 50-100 रुपये तो हम ऐसे ही लोग जो है मतलब चाय पानी में, नाश्ते वगैरह में उड़ा देते हैं, तो उतना भी अगर किसी करेंगे तो छोटा छोटा करके किसी को एक बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। अरुण भाई, अगर कोई डोनेट करता है तो उनको क्या टैक्स बेनिफिट वगैरह का कुछ ये है आपके पास में? हाँ, टैक्स बेनिफिट 80G है हमारे पास में। अच्छा, तो हाँ, सेक्शन 80G का आपके पास में ये है, सर्टिफिकेट उनको टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। अच्छा, ये जो आपने टैक्स बेनिफिट का आपने ये किया है, तो इसके साथ में कुछ आपके ये भी होता होगा ना कि मतलब आपको किस तरह का डोनेशन चाहिए? जैसे कि आप हमारी बात चल रही थी तो आप बता रहे थे कि जैसे सदका है, ज़कात है, तो ये क्या है, थोड़ा सा बताएंगे? जब डोनर जो है जब डोनेट करने आएगा, डोनेट के बटन क्लिक करेगा तो फॉर्म ओपन होगा, वहाँ पर लिखा रहता है, वहाँ पे लिखा है डोनेशन, एक बटन है वो ओपन हाँ, करेगा टाइप्स ऑफ डोनेशन, हाँ तो तीन पैलेट खुल जाएगा, वहाँ हाँ, पर लिखा रहेगा सदका, ज़कात, इंटरेस्ट। अच्छा, तो आप कौन सा डोनेशन दे रहे हो? हाँ, तो वो क्लिक करेंगे सदका, तो हम लोग हमारे यहाँ पे बैकहेंड पे पता चल जाता है कि ये सदका है, ज़कात है, इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट का तो बहुत सारा मामला बहुत ज़्यादा है जी, तो उससे हाँ, उसका हम लोग पूरी तहकीकात करके और फिर वो इंटरेस्ट का पैसा वो पेशेंट को कहाँ देना है, पहुँचाते हैं, कहाँ देना है, कहाँ यूज़ करना है वो। अच्छा, तो इसमें आप एक बहुत बड़ा सवाल है कि आप जो केसेस लेते हो तो वो क्या रिलीजन वाइज लेते हो कि खाली मुस्लिम को ही लेना है या तो फिर नहीं? हर रिलीजन का हम लोग केस लेते हैं, हर कम्युनिटी का लेते हैं। उसमें ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई भी आए हमारी वेबसाइट पे फंड रेज करे। लेकिन अगर कोई मुस्लिम है, कोई मतलब पेशेंट आपका, तो इसके लिए उसको इंटरेस्ट का जो है आप लोगों ने ये रखा है कि मुस्लिम जो है उसके लिए उनको क्योंकि इंटरेस्ट का चलता नहीं है, तो वो आम किसी इस्लामिक स्कॉलर से पूछ के और वो पैसा कैसे यूटिलाइज करने का वो हम लोग उनसे राय मशवरा करके करते हैं। अगर कोई एक कैंपेन अगर पूरा नहीं होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि किसी को 2 लाख रुपए की ज़रूरत है लेकिन उसको जो है ना 1 लाख रुपए भी नहीं आया, कम हो गया, तो ऐसे में फिर क्या आप लोग करते हो? देखो कैंपेन अगर ऐसे तो हो सकता है कि शायद मतलब बहुत सारे हो कैंपेन ऐसे पूरे नहीं होते हैं, तो कैंपेन असल में जो छोटे मोटे कैंपेन होते हैं 20-25-30 हज़ार, वो तो माशाल्लाह जो है वो 2 या 3 दिन में क्लोज़ हो जाते हैं। अच्छा, या कोई ऐसा डोनर आ जाता है कि मैं पूरा दे देता हूँ, हाँ 20-25-30 हज़ार रुपये का है। जी जी, 50 हज़ार का है तो उसको हफ्ता भर लग जाता है, उससे कम में हो जाता है। मगर जैसे 5 लाख का है हाँ, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास में एक अलग से टीम है जो CM फंड वगैरह करती है और भी ट्रस्ट से वो फंड लाती है और साथ में ये क्राउड फंडिंग भी चलता है, तो हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि इसको 100% तक का हेल्प करते हैं। तो ऐसा कुछ किया है आपने कोई केसेस है? एक केस था एक बच्चे का जिसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट था, उसका 25 लाख रुपए का उसका एस्टिमेट था, कोकिला बैन का, हाँ 25 लाख का। तो वो लोग मेरे पास आए तो मैं तो बोला 25 लाख तो बहुत पॉसिबल नहीं है, फिर भी उसके अब्बू ने इंटरव्यू दिया, जो अपीलिंग वीडियो थी उसमें बहुत रोए वगैरह, तो उसमें जब फिर हम लोग उसको वायरल किए तो माशाल्लाह 10 दिन में 12.5 लाख रुपया जमा हो गया। अच्छा, 10 दिन में हाँ। वही 100, 200, 500 हज़ार ऐसे जी, करके जी जी, और फिर उसके बाद में 12.5 लाख पे आके रुक गया हाँ। अब 12.5 लाख रुपये के लिए फिर हम लोग ने CM फंड में अप्रोच किया और CM फंड ने वो उसकी किस्मत थी, उसने कोकिला बहन को एक लेटर लिखा कि ये 12.5 लाख रुपये में इसका पूरा ऑपरेशन कर दो। अच्छा, मतलब जो ऊपर का रहेगा वो वेव ऑफ कर दो। तो CM फंड की भी हम लोग मदद लेते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, और बहुत सारे जो सर्जरीज है वो CM फंड में अंडर CM फंड कवर करती है हाँ। तो हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि क्राउड फंडिंग ना करते, वो CM फंड से उनका काम। अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं से लोगों की आप लोग हेल्प कर ही रहे हैं, कर देते हैं। तो हरण भाई, आप हमारे व्यूवर से कुछ अपील करना चाहोगे? मैं व्यूवर से यही अपील करना चाहता हूं कि सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगा फिरोज़ भाई का जिन्होंने हमें मौका दिया वॉइस चैनल पे आने का और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अप्रोच करने का। मैं ये अपील करूंगा लोगों से कि मेरे पास हमारे पास में बहुत सारे कॉजेज़ आते हैं और बहुत सारे लोग जो है मुस्तैक है, और खाली भिवंडी से नहीं, खाली बॉम्बे से नहीं, महाराष्ट्र से नहीं, ऑल ओवर इंडिया से आते हैं, और हम लोग हर रिलीजन हर कास्ट के लोग की हेल्प करना चाहते हैं। बट हम लोग का मसला वहाँ पर आगे रुक जाता है जहाँ पर हम लोग के पास में डोनर्स कम है, और ये हम लोग ये अपील नहीं कर रहे कि आप अपनी आपकी जैसी हैसियत हो 100, 50 हज़ार, 500, 2 हज़ार, और देने वाले 25 हज़ार भी देते हैं जी,
तो जिसकी जैसी हैसियत है वैसा आप करो, तो हम लोग कम्युनिटी की अपने लोगों की बहुत सारे जो स्पेशली मेडिकल इमरजेंसी में ये होता है कि एक मिडिल क्लास फैमिली जो है वो ऑल ऑफ ए सडन हिल जाती है, पूरा डिस्टर्ब हो जाती है, बराबर डिस्टर्ब हो जाती है। अगर कैंसर हो गया किसी घर में और 8 से 9 लाख रुपये का खर्चा आ गया तो वो हिल जाती है और वो कर्जदार हो जाती है जी, तो हम लोग उससे बचा लेते हैं जी। जी जी दोस्तों, ये तो बहुत ही नेक काज है पेनकर ट्रस्ट। मैं आपको बता दूं कि ये भिवंडी का एक ऐसा वाहिद ट्रस्ट है जो कि अभी तक के पूरे थाना डिस्ट्रिक्ट में ऐसा कोई ट्रस्ट नहीं है या ऐसा कोई क्राउड फंडिंग का काम नहीं कर रहा है जिन्होंने ये जो प्लेटफॉर्म इन्होंने स्टार्ट किया है। बॉम्बे में है बहुत सारे, कुछ मुंबई में 2-4 है इस तरह के ट्रस्ट, लेकिन क्राउड फंडिंग का प्लेटफॉर्म पूरे थाना डिस्ट्रिक्ट में एक ये एक लौता है और वो भी हमारे भिवंडी शहर से ऑपरेट कर रहा है। तो एक तो भिवंडी के लिए ये बहुत बड़ी गर्व की बात है, साथ ही साथ में इन्होंने बाहर के भी कई पेशेंट्स को इस तरह से हेल्प की है, मेडिकली हेल्प करी है। तो मैं चाहूँगा कि इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें, डोनर बनकर हिस्सा लें, और इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इनका जो वेबसाइट है, वेबसाइट का आप एक नोटिफिकेशन लगा दें, इनके जो सोशल मीडिया है उसको फॉलो करें ताकि आपको टाइम टू टाइम जो है इसका नोटिफिकेशन मिले, और हर बार जो है महीने में 100-200 रुपया अगर आप इस नेक काम में लगाओगे तो किसी की बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। और हमारे साथ में ऐसे ही बने रहे, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मैं फिरोज मेमन, द वॉइस न्यूज़ से, थैंक यू।